एंड अस्पताल की लापरवाही आई है सामने। मरीज के पैर को चूहे ने कुतरा है। परिजनों ने सोशल मीडिया पर गुहार लगाई है। तो रो रोकर परिजनों की मदद के लिए गुहार लगाई गई है। खबर आपको आगरा से बता रहे हैं, जहां पर एसएड अस्पताल की बड़ी ही लापरवाही सामने आई है। मरीज के पैर को चूहे ने कुतरा है, जिसको लेकर परिजनों ने सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगाई है। रो रोकर परिजनों ने सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगाई है। मैं इंदर खंडेलवाल लोहा मंडी, मेरी वाइफ साक्षी खंडेलवाल, अभी 10 महीने पहले उसको कैंसर का पता लगा, जिसका इलाज हम एक कराया अजय गुप्ता प्राइवेट, उसमें इलाज चलने के बीच में कीमो होना था, उनसे काफ़ी मिलने की कोशिश करी, वो मिले नहीं, मोबाइल से बात करी, 500 रुपये उन्होंने फीस से लिए और मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा, कहीं और देखें। उसके बाद उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब होने के बाद में आगरे के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल ने इनको एडमिट नहीं करा। हमें एक हफ्ते पहले मंडे ट्यूजडे को एसएन हॉस्पिटल इमरजेंसी लेकर आए, यहाँ से अभी तक इनको केवल एक ही सिकाई हुई, उसके बाद में कोई सिकाई की व्यवस्था नहीं है। 2 कोविड हो गई जो माइनस आई है, और हम लोगों को अब जो घर जाने के लिए बोल रहे हैं। मेरी वाइफ की हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है। रात को उसके पैर में चूहों ने इतनी बुरी तरह काटा, जिसकी भी वीडियो मैं वायरल करूँगा। किस तरीके से यहाँ पर जो परिजन है उनका रोड़ों का बुरा हाल हो चुका है। अजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं आगरा से संवाददाता। अजेंद्र, इतनी बड़ी लापरवाही अस्पताल की सामने आई है। एक जो पीड़ित है, जो महिला है, वो कैंसर की मरीज है और उसको चूहे ने कुतरा है, आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसी हो गई? देखिए, लगातार हम आगरा के जो स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाही है वो लगातार हम कह रहे हैं, और ये कोई नया मामला नहीं है। ऐसे तमाम वीडियो वायरल हुए हैं जो मानवता को शर्मसार करते हैं कि ये जो हो रहा है ये आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज का है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग में इलाज के बजाय यहाँ लोगों को जान तक का खतरा है। जिस तरह से चूहे ने जो पीड़िता है उसका पैर में जिस तरह से काटा है अंगूठे को, तो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि यहाँ प्रशासन कितना सतर्क है और इलाज करने में कितना माहिर है। आगरा में इस समय कोरोना का संक्रमण पूरी तरह से फैला हुआ है, लगातार कह रहे हैं कि आम मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा, तो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं आगरा के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को। अजय, परिजनों ने मदद की गुहार लगाई है सोशल मीडिया के थ्रू, तो क्या जो पुलिस प्रशासन वहां पर मौके पर पहुंचा है, क्या कोई मदद की गई है? देखिए, अभी जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है, अभी तक किसी भी जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने कैमरे पर बोलने को भी नहीं बोला है, लेकिन ये जो लापरवाही है ये साफ तौर से देखी जा सकती है। ये वीडियो वायरल पीड़ित ने खुद किया है और उसकी पत्नी जो कि कैंसर से पीड़ित थी, उसके चलते ये वीडियो वायरल किया गया है। शुक्रिया अजेंद्र चौहान अधिक जानकारी देने के लिए। तो एक तरफ जो लोग हैं वो कोविड-19 से परेशान है और दूसरी तरफ इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है। ये जो मरीज है वो इसको कैंसर हो चुका है और अस्पताल में इतनी बड़ी लापरवाही कि इस मरीज को चूहे ने कुतरा है।